तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों भाई, आज की वीडियो में वी वांट टू टॉक अबाउट दैट एपिक गेम जो डॉर्टमुंड और बायर्न का हुआ, जिससे बायर्न चैंपियंस बन गए और डॉर्टमुंड ने बॉटल कर दिया। साथ ही साथ न्यूज वाले सेगमेंट में एक्साइटिंग खबरें हैं, मेसी की अर्जेंटीना का स्क्वाड जो है वो बाहर आ चुका है फॉर द एशियन टूर, मार्को असेंसियो का कौन सा होगा अगला क्लब, जो चेल्सी के अपकमिंग भाई साहब ट्रांसफर है उनका एक गजब का रिकॉर्ड, अर्लिंग हालैंड विनिंग ट्रॉफीज, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। लाइक टारगेट सिंपल सा रखते हैं 2K लाइक्स, और कमेंट में आप मुझको ये बताओ तुम कौन से पार्टी के तरफ हो। तुम क्या वो वाले पार्टी के हो जो मार्को रोयस के बुंडेसलीगा ना जीतने से दुखी है, या फिर तुम वो पार्टी से हो जो भाई साहब बुंडेसलीगा में बायर्न की जीत से खुशी है कि बार्सिलोना जो है वो यूसीएल में बायर्न को फेस नहीं करेगी फाइनली। मैं तो दूसरी पार्टी से हूँ भाई। तो इस मैच के बारे में चलो अपन आगे बात करते हैं। Hey guys, welcome back to another video of AKG, भाई साहब। बार्सा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेके जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेके जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेके जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेके जी के साथ। तो इस गेम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़े से रूल्स समझा देता हूँ कि कौन कैसे अपना गेम जो है वो जीतता। अब देखो, बायर्न को ना अपना गेम जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर बायर्न अपना गेम हार लेती तो रिगार्डलेस डॉर्टमुंड क्या रिजल्ट लेकर के आती, वो विन लेकर आते, ड्रॉ लेकर के आते या लॉस लेकर के आते, बायर्न जो है वो चैंपियंस नहीं बन पाती। बायर्न को अगर चैंपियन बनना था तो यहाँ पे बायर्न का जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डॉर्टमुंड के बारे में बात कर लूँ तो अगर बायर्न हार जाती या फिर ड्रॉ भी कर लेती तो डॉर्टमुंड रिगार्डलेस ऑफ देयर रिजल्ट चैंपियंस बन जाते बुंडेसलीगा के। लेकिन अगर बायर्न जो है वो जीत गई रहती अपना गेम तो डॉर्टमुंड को भी अपना गेम जीतना पड़ता बुंडेसलीगा का चैंपियन बनने के लिए, और इसी के चलते तो है हमको ट्विस्टम ट्विस्ट देखने को मिला। फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं तो फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलरली डॉर्टमुंड 2-0 डाउन थी अपने गेम में, दैट मींस बायर्न जो है वो चैंपियंस बनने वाली थी क्योंकि बायर्न फर्स्ट हाफ में अपना गेम जीत रही थी 1-0 से। लेकिन ट्विस्ट जो है वो कहानी होती है अराउंड 80th मिनट में कहानी कुछ ऐसी होती है कि बायर्न में भाई साहब एक इक्वलाइजिंग गोल पड़ जाता है, यानी बायर्न का गेम ड्रॉ हो जाता है। अब डॉर्टमुंड अपना गेम हार तो रही थी लेकिन इनका ड्रॉ हो जा रहा था, यानी कि डॉर्टमुंड चैंपियंस बनने वाली थी। लेकिन बड़े भाई यहां पे रेस्क्यू जो है वो करने आए मूसियाला। मूसियाला ने जो है वो एक गोल मार करके बायर्न को 2-1 जो है वो मैच जिताया, और सिंस बायर्न जो है वो जीत गई अपना मैच, और ऑन दिस हैंड डॉर्टमुंड एट द एंड जो है वो ड्रॉ कर लिया अपना गेम, बायर्न जो है वो चैंपियंस बन गई। डॉर्टमुंड वाले गेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेनल्टी भी मिली थी जो सेबेस्टियन हॉलर मिस कर दिए। अब सेबेस्टियन हॉलर का ये सीजन काफी अप्स एंड डाउन से भरा रहा। शुरुआत के सीजन में उनको कैंसर हो गया था जिसके चलते वो आउट ऑफ द सीजन हो गए थे, बट देन ही मेड अ कमबैक एंड स्कोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स कमबैक होने के बाद भी। बट देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल था जिससे वो चैंपियंस बन जाते वो गोल मिस कर दिया, यानी आप सोचो कितना बुरा लग रहा होगा सेबेस्टियन हॉलर को। मोर ओवर जूड बेलिंगम जो भाई साहब रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाले हैं, और उनका कंफर्म ही अगले हफ्ते जो है वो आपको आ जाएगा कि वो जूड बेलिंगम जो है वो रियल मैड्रिड का प्लेयर बनने वाला है, वो भी जो है वो आंसुओं के साथ अपन को देखने को मिला क्योंकि जूड बेलिंगम भी चाह रहा था यार कि ये मेरा आखिरी गेम है तो मैं जो है वो ट्रिब्यूट दे दूं अपने फैंस को, खुश करके जाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम हारना ड्रॉ कर लिया। अगर वो गेम जीत जाते तो बायर्न भले अपना गेम जीत गई लेकिन ये जीत जाते, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम ड्रॉ हुआ और उसके चलते जूड बेलिंगम भी रोते हुए नजर आया। इवन सैड अपन फील करेंगे मार्को रोयस के लिए जो एक इतने इंपॉर्टेंट और लॉयल प्लेयर रहे हैं डॉर्टमुंड के। हमने देखा इंपॉर्टेंट भाई साहब खिलाड़ी जैसे लेवेंडोव्स्की और पता नहीं ना जाने कितने स्टार्स डॉर्टमुंड ने बनाया और वो जो है वो दूसरे क्लब चले गए, लेकिन मार्को रोयस हमेशा लॉयल रहे अपने क्लब से और अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो लीग कभी नहीं जीत पाए, और दिस वाज लिटरली वेरी क्लोज, केवल एक विन दूर थे भाई साहब चैंपियंस बनने के लिए पहली बार अपने लाइफ में, अभी जो है वो नहीं कर पाए। टॉकिंग अबाउट बायर्न की तरफ में तो भाई बायर्न की तरफ तो खुशियां ही खुशियां हैं, और भाई साहब यहां पे मूसियाला जो है वो यंगस्टर आप कह सकते हैं सेवियर बन गए उनके लिए। मोर ओवर एक जो है वो क्वेश्चन मार्क ये लग गया कि सीईओ बायर्न के ओलिवर खान को जो है वो बायर्न सैक कर दी इवन आफ्टर विनिंग द बुंडेसलीगा, व्हिच वाज क्वाइट शॉकिंग। मोर ओवर जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे जो लगभग 11 साल से सर्व कर रहे थे बायर्न को, उनको भी सैक कर दिया गया। और जब थॉमस टुकल से पूछा गया क्या उनको इनके चीज के बारे में पता है, तो थॉमस टुकल ने बोला भाई मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है ये कैसे हो गया कब हो गया। तो यहां पे ये भी कहानी अपन को देखने को मिली, बट रिगार्डलेस जो भी हुआ जैसे भी हुआ बायर्न जो है वो चैंपियंस बन गई भाई साहब बुंडेसलीगा की, दैट मींस वी वोंट बी भाई साहब फेसिंग बायर्न इन यूसीएल के भाई साहब ग्रुप स्टेजेस अगले सीजन में।
थैंक यू और जितने लोग कह रहे हैं कि यार वी आर रियली वेरी सैड दैट भाई मार्को रुएस के लिए, अरे भाई यहाँ हमारे मौत, अब देखो एरोप्लेन में भी यही बोला जाता है कि अपने मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाओ दूसरे के जान बचाने से पहले, यहाँ खुद हमारा जान खतरे में, हमेशा साला ये मायन हमको ला के ठोक देती है यूसीएल के ग्रुप स्टेज में, तो मैं तो अपना जान बचाऊंगा भाई, मैं खुश हूँ हम लोग बच गए। चलो अब अगले न्यूज़ में बढ़ जाते हैं और अपना न्यूज़ है भाई साहब एन कुकू के बारे में, जो चेल्सी के आने वाले प्लेयर हैं। सो एन कुकू जो है वो लाइप्ज़िग के लिए खेलते हैं और उनका सीजन इंजरी भरा रहा, 2 महीने जो है वो इंजरीज में रहे एन कुकू, लेकिन उसके बाद भी जो है वो भाई साहब बुंडेसलीगा के गोल्डन बूट विनर बन रहे हैं एन कुकू, यानी कमाल का ये प्लेयर आपको जो है वो लाइप्ज़िग का चेल्सी को ज्वाइन करते हुए दिखेगा अगले सीजन, और ये 100% कन्फर्म है। चलो आगे अपन बात कर लेते हैं हालैंड के बारे में, और भाई हालैंड तो हालैंड है, ठीक है हालैंड भी वन ऑफ दोस स्टार है जो डॉर्टमुंड से भाई साहब आप कह सकते हैं टाटा गुड बाय कह करके मैन सिटी ज्वाइन करे, वन ऑफ दोस स्टार जो डॉर्टमुंड बनाई, और देखो डॉर्टमुंड को छोड़ दिया वो, बट छोड़ा तो छोड़ा मैन सिटी के लिए छोड़ा, और मैन सिटी में बड़े मियां वो भाई जीते हैं मतलब प्रीमियर लीग, और हो अब देखो हो सकता है यूसीएल जीत जाए और आगे जो है वो और भी कॉम्पिटिशन जीत जाए। लेकिन यही नहीं, हालैंड के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भाई साहब हालैंड को मिल गया है प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब प्रीमियर लीग की तरफ से, साथ ही साथ यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जो है वो अर्लिंग हालैंड चुरा लिए हैं, गोल्डन बूट भी जो है वो चुराएंगे ही चुराएंगे। तो ये देखो आया है पहले सीजन में, प्रीमियर लीग भी जीत गया, प्लेयर ऑफ द सीजन भी बन गया, और गोल्डन बूट भी जीत जाएगा, और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन जाएगा। ये अर्लिंग हालैंड है भाई, इससे इंडिविजुअल ट्रॉफीज बचा करके रखो। लेकिन आई एम रियली सैड अबाउट अर्लिंग हालैंड ना जिंदगी में जो भी जीत जाए पूरे ट्रॉफी जीत सकता है, लेकिन एक चीज नहीं जीतेगा, और वो क्या नहीं जीतेगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा मैं बता देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अपन बात करने वाले हैं मार्को असेंसियो के बारे में। तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि भाई मार्को असेंसियो जो है वो रियल मैड्रिड छोड़ने वाले हैं, ऑब्वियसली वो जो है वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, दैट मीन्स असेंसियो विल बी लीविंग रियल मैड्रिड इस सीजन में एज अ फ्री ट्रांसफर। अब सवाल ये आया कि वो कौन से क्लब को ज्वाइन करेंगे, तो उसका आंसर अब शायद अपन को नजर आ रहा है। एज आई टोल्ड यू गाइस सेवरल प्रीमियर लीग क्लब्स वर इंटरेस्टेड, जैसे एस्टन विला हो गई वो इंटरेस्टेड थी, और भी कई सारे प्रीमियर लीग क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सीरिया में एसी मिलान भी इंटरेस्टेड है, बट सीरियस इंटरेस्ट कहां से आ रहा है, सीरियस इंटरेस्ट आ रहा है पीएसजी से। वो क्यों आ रहा है, बिकॉज लियो मेसी विल बी लीविंग पीएसजी, एंड भाई साहब पीएसजी इज लुकिंग फॉर अ लेफ्ट फुटेड विंगर टू रिप्लेस लियो मेसी। अब देखें यहां पे जो है वो पहला प्रायोरिटी मार्को असेंसियो नहीं है, पहला प्रायोरिटी है बर्नार्डो सिल्वा। अगर बर्नार्डो सिल्वा की साइनिंग पीएसजी कर लेती है तो दे वोंट बी भाई साहब साइनिंग मार्को असेंसियो, बट सिंस मार्को असेंसियो इज अराइविंग ऑन अ फ्री एंड जॉर्ज मेंडेस जो है वो उनके एजेंट है, और जॉर्ज मेंडेस की जो है वो काफी अच्छी रिलेशनशिप है पीएसजी के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर से, तो यहां पे जो है वो काफी अच्छा ये डील आपको होते हुए नजर आ सकता है, फ्री ट्रांसफर मार्को असेंसियो टू पीएसजी माइट हैपन। आगे अगर हम बढ़ जाए तो बात करने वाले अर्जेंटीना की स्क्वाड की। अब देखें ये जो अर्जेंटीना का स्क्वाड है वो अनाउंस हुआ है फॉर द अपकमिंग एशिया टूर। अब ये एशिया का टूर करने वाली है अर्जेंटीना, और इस एशिया के टूर में अर्जेंटीना विल बी प्लेइंग इन चाइना एंड इंडोनेशिया। चाइना में उन लोग जो है वो बीजिंग में खेलने वाले वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और भाई साहब इंडोनेशिया में दे विल बी प्लेइंग इन जकार्ता अगेंस्ट इंडोनेशिया की टीम। तो यहाँ पे 2 मैचेस जो है वो अर्जेंटीना खेलते हुए नजर आएगी, और उन 2 मैचेस के लिए जो है वो स्क्वाड बाहर आ गई है। टॉकिंग अबाउट द स्क्वाड, तो लेट्स लुक अपॉन द स्क्वाड की क्या क्या जो है वो भाई साहब प्लेयर आए हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो भाई साहब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है वो गर्नाचो जो है वो इन हुआ है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने अर्जेंटीना के नेशनल टीम में। मोर ओवर एक जो है वो भाई साहब इसमें खिलाड़ी जो है वो नहीं आपको इंक्लूडेड नजर आ रहा है, और वो है लोटारो मार्टिनेस। द रीजन इज दैट ही विल बी प्लेइंग द यूसीएल फाइनल, और यूसीएल फाइनल खेलते हुए भाई साहब ही विल बी ऑल्सो हैविंग अ सन। उनकी जो है वो वाइफ जो है वो उनके सन को जो है वो भाई साहब बर्थ देने वाली है, जिसके चलते लियोनार्डो विल बी मिसिंग ये अर्जेंटीना का टूर। मोर ओवर ये तो मेन रीजन नहीं है, मेन रीजन है उनकी एंकल इंजरी। एज पर रिपोर्ट्स उनको एंकल इंजरी थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, एंड ही स्टिल भाई साहब प्लेड द होल वर्ल्ड कप विद अर्जेंटीना की टीम, एंड वो एंकल इंजरी जो है वो थोड़ी मोड़ी ठीक होते हुए नजर आई इंटर मिलान के सीजन में, वो भी थोड़ा सा जो है वो एक्सजरेट हो जा रहा है। और इस यूसीएल फाइनल के बाद उन्होंने जो है वो डिसीजन लिया है इस एंकल इंजरी का जो है वो इलाज करवाने का, तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते ही विल बी मिसिंग भाई साहब अर्जेंटीना का ये टूर। ऑल्दो लियो मेसी इज इन एंड गर्नाचो इज ऑल्सो इन, तो हम देखेंगे कि भाई गर्नाचो कैसा अर्जेंटीना की जो है वो शर्ट में परफॉर्म करता है। खैर यही थी आज की वीडियो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज आशीष की सैनिक, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।